दोस्तों, प्लेटी हेलमंतीज के क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इसकी जो क्लास है ट्रिमेटोडा। पहली क्लास टर्बिलेरिया है और उसके बारे में आपको प्लेनेरिया ध्यान में रखना है, जिसमें बेहतरीन रीजनरेशन पाया जाता है। उसके बाद ट्रिमेटोडा के अंदर है फैशियोला। एग्ज़ाम में इस फैशियोला से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेशियोला के बारे में अच्छे से आप जानकारी रखें। अगर प्लेटी हेलमंतीज से सही से क्वेश्चन बनेगा तो फेशियोला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फेशियोला को यकृत कृमि भी कहते हैं, लीवर प्लुक भी कहते हैं, और ये भेड़ में रोग करता है, इसलिए सिप लीवर प्लुक। भेड़ के लीवर का कृमि है, भेड़ लीवर कृमि है फैशियोला। लीवर में रोग करता है इसलिए इसको फैशियोला हिपेटिका भी कहते हैं। हिपेटिक शब्द लीवर से रिलेटेड है, तो फैशियोला हिपेटिका लीवर प्लुक है और भेड़ में करता है इसलिए सिप लीवर प्लुक। ये जो फैशियोला हिपेटिका है, ये पैरासाइट होता है द्विपोषदीय, और द्विपोषदीय को कहते हैं डाइजेनिक। ऐसे पैरासाइट या परजीवी जिनका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है, डाइजेनिक या द्विपोषदीय कहलाते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी होस्ट और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक होस्ट। प्राथमिक और द्वितीयक परपोषी, द्वितीयक वाले को ही इंटरमीडिएट भी कहते हैं, मध्यवर्ती होस्ट। देखिए, फैशियोला हिपेटिका में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसका प्राइमरी होस्ट सिप है, भेड़ है, प्राइमरी भेड़ है, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये फैशियोला हिपेटिका का प्राइमरी होस्ट भेड़ है, सेकेंडरी या द्वितीयक होस्ट को ही इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती होस्ट कहते हैं, और इसका सेकेंडरी या द्वितीयक होस्ट है घोंगा या स्नेल। देखिए, इस घोंगे के दो वंश होते हैं, दो जीनस होते हैं, लिमनिया और प्लेनोर्बिस। लिमनिया और प्लेनोर्बिस, लिमनिया और प्लेनोर्बिस दो जीनस है स्नेल या घोंगा के। घोंगा सिप लिवर प्लुक का सेकेंडरी होस्ट है। वैसे एक तरीका यह भी है, देखिए फैशियोला हिपेटिका को क्या कहते हैं, लीवर प्लुक। किसमें रोग करता है, भेड़ में, इसलिए भेड़ ही क्या है, याद रखने का तरीका है, प्राइमरी होस्ट। सिप लिवर प्लुक, इसलिए सिप या भेड़ ही प्राइमरी होस्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन इसी को लेकर पूछे जाते हैं। देखिए, तो स्नेल के दो जीनस लिमनिया और प्लेनोर्बिस। यहां पर आपको फैशियोला का डायग्राम दिख रहा है। ये माउथ है और माउथ के चारों तरफ ओरल सकर है। मुख्य चूसकांग, यहां पर एक जेनाइटल पोर है, जनन छिद्र है। यह है वेंट्रल सकर, अधर चूसकांग, और इसी को कहते हैं एसिटाबुलम। और नीचे उत्सर्जी छिद्र है, एक्सक्रेटरी पोर है। देखिए, इसी की इंटरनल स्ट्रक्चर बात करें तो ये माउथ, या इसी को एंटीरियर सकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रिमेटोडा के सदस्यों में माउथ जो होता है वो एंटीरियर होता है, टर्बिलेरिया में वेंट्रल, याद रखना पड़ेगा। तो माउथ की तरफ है इसलिए इसको माउथ ही एंटीरियर होता है, अग्रस्त होता है, तो एंटीरियर सकर, ये ग्रसनी। और इसकी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे बाइफर्केट या द्विशाखित होती है, और यहां पर है एक और सकर, एसिटाबुलम या वेंट्रल सकर। आप जानते हैं कि ट्रिमेटोडा के सदस्यों में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, जिसमें माउथ होगा लेकिन एनस नहीं होगी। एसिटाबुलम द्विशाखित आंत, ग्रसनी, एंटीरियर सकर, वास्तव में उसी को क्या कहते हैं, ओरल सकर, माउथ, जनन छिद्र, वेंट्रल सकर और उत्सर्जी छिद्र। ये ध्यान से देखिए,
सकर्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ये है मेडअप ऑफ मसल्स। ये जो चूसकांग है या सकर्स है ये किसके बने होते हैं? मसल्स या मांसपेशियों। अब हम बात कर रहे हैं फैसियोला हेपेटिका या लीवर प्लग के लाइफ साइकिल के बारे में। बिल्कुल सटीक जानकारी है दोस्तों। क्लासिफिकेशन के जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको स्मूथली याद हो जाए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, फालतू की कोई चीज़ें नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको चीज़ें बताई जा रही है और लेंदी बनाया जा रहा है। इसलिए क्लासिफिकेशन पर अगर आपको कमांड बनानी है तो प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखो और उसके नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। आइए लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला हेपेटिका यहां से शुरू करते हैं, भेड़ से, सिप से। भेड़ के अंदर जो अपचित खाद्य होता है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ फैशियोला के अंडे बाहर आते। कहने का मतलब एक एडल्ट एक वयस्क लीवर प्लुक अंडे देगा और ये अंडे भेड़ के अपचित खाद्य के साथ भेड़ के शरीर से बाहर आ जाएंगे। ये एडल्ट लीवर फ्लूक किसके अंदर रह रहा है? भेड़ के अंदर। अभी साइकिल पूरा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आप यहाँ से शुरुआत करें कि भेड़ के अंदर जो अपचित खाद्य है उससे फैशियोला के अंडे बाहर और ये तालाब या झील के जल में प्रवेश कर जाते। और तालाब के अंदर इसका जो प्रथम लार्वा बनता है, फर्स्ट लार्वा, वो है मिरासीडियम। फर्स्ट लार्वा मिरासीडियम। ये जो मिरासीडियम है ये स्नेल के लिए संक्रामक होता है। पहला सवाल, फैशियोला हेपेटिका की कौन सी अवस्था स्नेल के लिए संक्रामक होती है? मिरासीडियम, प्रथम लार्वा भी कहते हैं। स्नेल कौन सा होस्ट है? सेकेंडरी होस्ट, द्वितीयक पोषक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी होस्ट को संक्रामक या संक्रमण करने वाली अवस्था कौन सी है? मिरासीडियम, क्योंकि सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल या घोंगा? मिरासीडियम स्नेल के लिए संक्रामक, स्नेल के शरीर में प्रवेश, और घोंगे के अंदर ये मिरासीडियम बनाता है स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस्ट क्या बनाती है? रेडिया। रेडिया किस में बदल जाता है? सर्केरिया में। ध्यान से देखना, घोंगे के अंदर मिरासीडियम प्रवेश किया, मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट रेडिया में, और रेडिया सर्केरिया में। ये सर्केरिया स्नेल के शरीर से बाहर आ जाता है और बाहर आकर ये किस में बदल जाता है? मेटा सर्केरिया में। और ये मेटा सर्केरिया संक्रमित जल के द्वारा भेड़ को संक्रमित कर देता है। अब भेड़ कौन सा होस्ट है? प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला या संक्रमित करने वाली अवस्था है मेटा सर्केरिया। भेड़ को संक्रमित करने वाली अवस्था मेटा सर्केरिया, घोंगे को संक्रमित करने वाली अवस्था मिरासीडियम। पहली या फर्स्ट लार्वा है मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया, और मेटा सर्केरिया स्नेल के शरीर से बाहर, और मेटा सर्केरिया भेड़ को इन्फेक्ट करेगी, संक्रमित करेगी, और फिर ये भेड़ के अंदर जाके एडल्ट लीवर प्लग बनाएगी जो फिर से अंडे देगा और ये साइकिल दोबारा चलेगा। यहां से आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है? तो प्राइमरी होस्ट कौन है? भेड़। और भेड़ के लिए कौन है संक्रामक? मेटा सर्केरिया। सेकेंडरी होस्ट के लिए संक्रामक अवस्था कौन है? तो सेकेंडरी होस्ट कौन है? घोंगा। और घोंगे के लिए संक्रामक अवस्था कौन सी है? मिरासीडियम। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन लार्वल स्टेज को क्रम से लिखो, तो फर्स्ट मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। देखिए,
मिरासीडियम तालाब में आई, वहाँ पर बनी और मिरासीडियम स्नेल के अंदर प्रवेश कर गई, स्नेल से बाहर निकली, सर्केरिया बाहर निकली और सर्केरिया मेटा सर्केरिया में बदल गई। तो ये सब अवस्थाएं स्नेल के अंदर है, रेडिया, स्पोरोसिस, सर्केरिया, ये सब। और क्रम भी याद रखना है, देखो मिरासीडियम, उसके बाद स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये पांच स्टेज है। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये स्नेल को और ये भेड़ को, ये मिरासीडियम है, ये मेटा सर्केरिया है। याद रखने का तरीका, मीनाक्षी शर्मा राजस्थान की सीएम है, जिसका भी नाम मीनाक्षी है खुश हो सकती है। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, और क्लियर कट लाइफ साइकिल आपके सामने लिखी हुई है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान रखना है, सर्केरिया स्नेल के शरीर के अंदर बनेगी, सर्केरिया स्नेल के शरीर से बाहर आएगा और वो बदलेगा किसमें, मेटा सर्केरिया। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि स्नेल के शरीर से बाहर कौन आया, सर्केरिया, और सर्केरिया किसमें बदला, मेटा सर्केरिया में, और संक्रमित जल के द्वारा ये भेड़ के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वहां पर एडल्ट लीवर प्लुक में बदल जाएगा। लाइफ साइकिल, प्रत्येक लार्वा का क्रम, सेकेंडरी होस्ट है स्नेल, स्नेल को संक्रमित करने वाला मिरासीडियम, प्राइमरी होस्ट है भेड़, भेड़ को संक्रमित करने वाला मेटा सर्केरिया, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, ये ऑर्डर और ये जानकारी। लिम्निया और प्लेनोर्बिस घोंगा के दो जीनस हैं, प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, और लीवर प्लुक क्यों कहते हैं, और पूरा नाम फैशियोला हेपेटिका।